वेलकम गुड्डू सर की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक नायाब वस्तु जो कि दुनिया की सबसे महंगी वस्तु मानी जाती है, कोहिनूर हीरा के बारे में। कोहिनूर आपको पता है कि बहुत ही सभी को, जितने भी हमारे देश में वंशज हुए, जितने भी राजघराने हुए, सबको मतलब कोहिनूर की चाहत थी। आपको बता दें कि कोहिनूर हीरा भारत में ही निकला था, वो आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में एक गोलकुंडा का खदान है, वहीं से उसका मतलब उद्गम बोलिए चाहे, वहाँ से निकला था। जब वो निकला था तो कहा जाता है कि एक आवाज़ सुनाई दिया था कि ये हीरा जिसके पास भी होगा उसका मतलब पूरा संसार पे, पूरा दुनिया पे उसका मतलब माना जाता है कि उसका राज होगा। लेकिन हाँ, उसी समय उसका दिन भी बुरा स्टार्ट हो जाएगा। उस समय उसका बुरा दिन मतलब कहा जाता है पतन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कोहिनूर हीरा माना जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग कि कोहिनूर हीरा श्रापित था, जिसके पास गया वो सही से रह नहीं पाया। आपको बताएं कि जो ये हीरा है कई राजघराने वंशजों के पास रहा, जैसे खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मराठा, सिख, कईयों के पास रहा। लेकिन आपको बता दें कि वो धीरे धीरे सभी का पतन होता चला गया। और जब जिसके पास पहुँचा ये हीरा, वो अपना रंग दिखाता चला गया, क्योंकि लोग कहते थे कि ये जो हीरा है श्रापित था, पर लोगों को मजाक लगता था ऐसा। और ये इतिहास में साबित भी करता चला गया कि सच में ये हीरा जिसके पास रहा उसका पतन निश्चित हो गया। आखिरकार बाद में ये जो है हीरा, वो हाथ लगा जा करके आपको अंग्रेजों के, और आपको सच बताएं कि अंग्रेजों का जो बहुत बोलबाला था, जो कहा जाता था कि ऐसा साम्राज्य था अंग्रेजों का कि वहाँ सूरज डूबता ही नहीं था, यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य था कि एशिया, यूरोप और अन्य जगहों पर भी अपने वहाँ पर उन्होंने शासन किया। लेकिन जैसे ही इसके हाथ लगा हीरा, उसका पतन शुरू हो गया। आपको बता दें कि जब ये ब्रिटिश सरकार के पास जब चला गया, तो अंग्रेजों के पास जाने के बाद उसको पता चला, क्योंकि जब खुदाई के समय गोलकुंडा के खदानों जब ये हीरा निकला, तो ये हीरा निकलने के बाद जो आवाज़ सुना गया था, उसमें ये बात पहले ही बोल दिया गया था कि जो ये हीरा है वो पुरुषों के पास नहीं हो सकता या अन्य किसी के पास नहीं हो सकता, सिर्फ देवी देवताओं के पास या फिर महिलाओं के पास ही ये रहेगा, तो ये श्रापित उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार को समझ में आया नहीं, और ये इस तरह से क्या हुआ कि माना जाने लगा कि धीरे 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 ब्रिटिश सरकार का भी पतन हो गया। अब ब्रिटिश जो अंग्रेजों का जो पतन होने लगा, जैसे जितने भी उसका मतलब कब्जे में जितने भी राज्य देश वगैरह थे, वो धीरे धीरे सब आज़ाद होने लगे। और बाद में जो ब्रिटिश सरकार के जो राजा थे, या बोल सकते हैं आप महाराजा थे, उन्होंने एक फैसला किया, उनको समझ में आ गया कि ये सच में हीरा श्रापित है, और उन्होंने निर्णय किया कि अब ये जो हीरा है वो सिर्फ महिलाएं धारण करेगी। इसका मतलब वहाँ की जो रानी थी उसको धारण करने के लिए दिया गया। आपको पता होगा कि रानी एलिजाबेथ के मुकुट में भी ये कोहिनूर हीरा लगाया गया था। फाइनली ये बता दें कि जो ये कोहिनूर हीरा है वो अभी वर्तमान के जो रानी है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय, उनके पास है वो। और अब से ये पता है कि वो महिलाओं को धारण किया जाता है, कि अभी तो ब्रिटिश सरकार के पास ही है, ब्रिटेन में ही है, ब्रिटेन के राजघराने के पास ये हीरा सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा जान करके? क्या आप जानते थे इसके बारे में? अगर जानते थे तो कमेंट में बताएं, अगर नहीं जानते तो भी आप कमेंट में बताएं, और हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों के पास भी पहुँचे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।